नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर चंबल अंचल में नेतृत्वहीनता की कमी से जूझ रही कांग्रेस दोबारा से कार्यकर्ताओं में जोश फूकने की कवायद कर रही है। इसी कड़ी में गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से चंबल अंचल में अपनी गंवा चुकी सीटों को वापस हासिल करने के लिए जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ग्वालियर चंबल सभा के नेताओं की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं महाराजा के गढ़ में राजा की बढ़ती सक्रियता कहीं न कहीं भाजपा को भी चिंता में डाल सकती है। रोजगार, महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर भाजपा और खासतौर पर सिंधिया को घेरने की रणनीति कहां तक सफल होगी, यह देखना होगा। जी, जैसा कि आप बात सिंधिया जी की नहीं है, बात यह है कि हमको अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रणनीति आगे की रहेगी 2023 के चुनाव तक, वो तय करनी है। जो भी लोग कांग्रेस के हैं, जो विधायक हमारे हैं, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर रणनीति तय करेंगे और किस प्रकार से जो जनता की परेशानी है, पीड़ा है, उसको कैसे उजागर करना है, उसकी रणनीति बनाएंगे। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंधिया जी खुद ही परेशान है भाजपा में और जो पुराने भाजपा ही है वो उनसे परेशान है। तो घिरे घिरा है, इसलिए 2019 का लोकसभा आपने ही एक पीए कहना चाहिए से हार गए थे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कहा है वो सही कहा है, और वैसे भी ग्वालियर चंबल से डॉक्टर गोविंद सिंह जो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। राजा दिग्विजय सिंह जी भी आज आए हैं, यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं पूरे संभाग की। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो पिछली बार जो प्रदर्शन था और जो बाई इलेक्शन में प्रदर्शन था, उससे बहुत आगे बढ़ के कांग्रेस की सीटें इस क्षेत्र में आएंगी, क्योंकि जनता प्रताड़ित है महंगाई से, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, लोहा, सीमेंट। 50 साल पहले रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई शुरू हुई थी और जीत गए थे इंदिरा जी के नेतृत्व। आज फिर से उसी जगह पे लोग आ गए। कोरोना में हिंदुस्तान में 47 लाख लोगों की जान गई, ये WHO कह रहा है। 1.3% लोगों को केवल मेडिकल हेल्प मिली, ये CAG कह रही है। तो कुल मिला के स्थिति बद से बदतर है, और इसलिए ग्वालियर चंबल में तो ठोस परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 से नहीं, 174 से ज़्यादा से कांग्रेसी सरकार बने। आप WHO की रिपोर्ट मान रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कोई आप लोग तो फर्जी बात कर रहे हैं। तो शिवराज जी की बात भी नहीं मानते, नरोत्तम मिश्रा कहाँ लगे हुआ, अपने मुख्यमंत्री की मानते हैं।